जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवरंजनी तिवारी जी, जो अचानक ही कुछ दिनों से चर्चा में आई हैं और वह बागेश्वर धाम की पदयात्रा पर निकली हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं जी, क्या कहेंगी इस पदयात्रा को लेकर? कितने दिन से आपकी पदयात्रा चल रही है? ये पदयात्रा तो हमारी 1 मई से स्टार्ट हो गई थी और अब आज करीब हमारा 40वां दिन हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये यात्रा में काफ़ी आनंद आ रहा है और इसका उद्देश्य मेन है, मैं बताना चाहूँगी। नारियाँ देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आप MBBS, फिर ये कैसे ख्याल आया कि संत बनना है? MBBS मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है अभी मेरा MBBS, और मैं बचपन से ही धर्म के कार्य में जुड़ी हुई हूँ। विज्ञान और अध्यात्म तो एक अलग अलग है, तो कैसे खराब? क्योंकि हमारा जो परिवार है वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से ताल्लुकात रखता है, इसलिए हमारा जो परिवार है वो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्या पहले कभी मुलाकात हुई धीरेन्द्र के साथ? नहीं, कभी नहीं हुई है। मैं पहली परिवार बार के किसी सदस्य के? परिवार वाले जाते रहते हैं मेरे, 5-6 बार जा चुके हैं बागेश्वर धाम। जैसा कि सुनने में क्या मनोकामना क्या है आपकी बागेश्वर? मनोकामना तो वही बताएंगे महाराज जी। मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी के परिवार से है जैसा कि सुनने में आया जी, क्या ये कोई ऐसा टच है कि धीरेन्द्र के शास्त्री जी दबाव में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बारे में मैंने किसी भी चैनल में नहीं कहा है, आज भी नहीं कहूंगी, और जो भी इस बारे में मैटर में जितनी सच्चाई है, जो भी खुलासा है, महाराज जी करेंगे। लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं शादी को लेकर, तो लगाते रहिए, वो मन की बात जानेंगे, प्रार्थना हमारे वही बताएंगे। था उन्हें भी जानकारी थी शास्त्री जी को, मुझे नहीं पता चलेगा उनकी कथा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनको, मुझे लगता नहीं उन्हें पता है, और ना ही हम लोग का उनसे कोई भी कांटेक्ट या संपर्क हुआ है, और ना हमने कभी करने की कोशिश करी है। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शादी की बात कहाँ से आई है बीच में? देहरादून से स्टार्ट हुआ है सारा सिलसिला, तो अब जो भी है इस मैटर में सच्चाई है वो वहीं जाके क्लियर होगी बागेश्वर धाम में। ये प्राणनाथ का मतलब क्या है, इसका मतलब बताएं? क्योंकि वो प्राणों के नाथ है, भगवान है, अंतर्यामी है, इसलिए मैंने प्राणनाथ कहते हैं। आपने मान लिया प्राणनाथ के सबके लिए? सभी के प्राणनाथ है, जो मन की बात जान सके, प्राणों के नाथ हो हर किसी की, जिससे कोई भी बात छुपी ना रह सके, वो प्राणनाथ है। तो इसको ये समझा जाए कि आग एक तरफ लगी है, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ। अब वो आपको जो समझना है समझते रहिए। पदयात्रा का कहाँ से आइडिया आया? पदयात्रा चूंकि मैं बचपन से भागवत कथा करती आ रही हूँ, तो मैं छोटी छोटी कन्याओं को देखती थी अपनी भागवत कथा में कलश यात्रा करते हुए, तो मुझे भी पदयात्रा करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना बागेश्वर धाम ही चला जाए। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप गाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, पैदल पैदल पदयात्रा आ रही है। पैदल चेहरे की तो हम आपको बता दें, जो शिवरंजनी तिवारी हैं वह है बागेश्वर धाम की पदयात्रा पर जा रही हैं और छतरपुर जिले के गढ़ी मिलेरा पहुंच चुकी हैं। सिर पर कलश रखे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, एक लोगों के अंदर भी उनका स्वागत भी किया जा रहा है।